Hi, guys, welcome back to my YouTube channel. So, guys, this is Jaspreet, and in this video, I am going to describe the important cue card in this video. So, guys, be prepared for this cue card examiner can be asked from you guys from the Jan month to the April. So, the most important thing that I want to tell you in this video is the individual speaking sessions also available nowadays. If you want to clear your doubts individually, so you can contact me. So, without wasting time, let's begin with this video. दी नेम ऑफ दिस क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट कोई आपने हिस्टोरिकल पीरियड डिस्क्राइब करना है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो क्यू पॉइंट्स आर वट पीरियड डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट कौन से हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में आप जानना चाहते हो वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट क्यों जानना चाहते हो हाउ डू यू थिंक यू कैन कम टू नो अबाउट इट आपको कैसे पता चलेगा इस पीरियड के बारे में ओके okay. सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड वेल हिस्ट्री प्लेज अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइक जो हिस्ट्री है वो हमारी लाइफ में पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है मीन्स इंपॉर्टेंट रोल पार्ट एंड पार्सल इज अडियम दैट यू कैन यूज फॉर द इंपॉर्टेंट सो बिकॉज इट इंस्पायर्स अस बिकॉज ये हमको क्या करती है इंस्पायर करती है एंड बिल्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ये हमें इंस्पायर करती है एंड एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाती है वर्ल्ड की आई लव टू लिसन टू दीज़ हिस्टोरिकल पीरियड्स मुझे अच्छा लगता है कि हिस्टोरिकल पीरियड्स की मैं स्टोरीज़ को लिसन करूँ इस्पेशली अबाउट रिलीजंस स्पेशली रिलीजन्स के बारे में एंड फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सो हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी लाइफ विच इज़ द क्रिएशन ऑफ खालसा सो so, मैंने इस क्यू कार्ड में किस चीज़ की बात करनी है वो उस हिस्टोरिकल पीरियड की जो गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ का था मीन्स क्रिएशन ऑफ खालसा खालसा के क्रिएशन की बात करनी है इन माई टेंथ स्टैंडर्ड इन माई हिस्ट्री बुक आई लर्न सम थिंग्स अबाउट दी खालसा अगर मैं अपने टेंथ स्टैंडर्ड की बात करूँ मुझे हिस्ट्री बुक में मैंने ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी खालसा के बारे में एंड इट वॉज़ फॉर्म्ड बाई गुरु गोविंद सिंह एट वैसाखी इन ए डी सिक्सटीन नाइन्टी नाइन ए डी सिक्सटीन नाइन्टी नाइन एक हिस्टोरिकल पीरियड का ईयर है जस्ट ठीक है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे फॉर्म किया था ही इनिशिएटेड इट विद द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट्स फ्राम इस्लामिक रिलीजियस ऑपरेशन ठीक है जो लोग वहाँ पर इस्लामिक रिलीजियस को मनवाना चाहते थे मतलब उस चीज़ को उनकी क्या ड्यूटी थी क्यों फॉर्म किया था उन्होंने खालसा उन चीज़ों से बचाने के लिए लोगों को इन माई चाइल्ड हुड आई ऑल्सो लव टू लिसन टू दी स्टोरीज़ ऑफ़ गुरु गोबिंद सिंह जी इस लाइफ फ्रॉम माई ग्रैंड मदर मेरे चाइल्ड हुड में मुझे स्टोरीज़ गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ के बारे में अच्छी लगती थी सुननी मेरे ग्रैंड मदर से आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा ठीक है मुझे अच्छा लगता, लगेगा कि अगर मुझे मतलब और चीजें पता चले प्रिपल्स ऑफ खालसा के बारे में एंड दैट गुरु गोबिंद सिंह जी गेव दर्डर टू दी पीपल जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऑर्डर भी दिया था लोगों को दैट द खालसा विल कीप अ मॉरल करेक्टर जो खालसा होगा उसका करेक्टर मतलब मॉरल होगा मोर ओवर फॉर एंटरिंग द खालसा पंथ खालसा पंथ में एंटर होने के लिए एवरी वन टू ड्रिंक अमृत उन्हें अमृत पीना पड़ेगा देयर आफ्टर ही वुड बी कॉल्ड अ खालसा उसके बाद ही वो खालसा अपने आप को बोल सकता है एवरी खालसा विल बिलीव इन वन गॉड हर एक खालसा बिलीव करेगा सिर्फ एक ही गॉड पे मीन्स गॉड इज वन बट आई डोंट थिंक आई हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट इट मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी डेप्थ ऑफ नॉलेज अप लाइक पूरी ग्रेट नॉलेज है बट आई हैव अ हाई क्यूसिटी लेवल एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट दी डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट दी क्रिएशन ऑफ खालसा फ्रॉम वन ऑफ माई रेलेटिव एक मेरे रेलेटिव हैं जिससे मतलब इन चीज़ की नॉलेज होती है सो तो उनसे मुझे डेप्थ ऑफ नॉलेज मतलब डीप नॉलेज लेना क्रिएशन ऑफ खालसा के बारे में अच्छा लगेगा एंड आई हैव टू सर्च अ लॉट अबाउट इट या फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में मोर ओवर आई कैन कम टू नो अबाउट खालसाज हिस्टोरिकल पीरियड बाई विजिटिंग सम हिस्टोरिकल प्लेस सच एज़ अनंतपुर साहेब एंड अमृतसर ठीक है या फिर मुझे हिस्टोरिकल पीरियड अगर मुझे खालसा के हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में अच्छे वे के साथ जानना है तो मुझे विजिट भी हम कर सकते हैं अनंतपुर साहेब या फिर अमृतसर सिटी में सो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दिस हिस्टोिकल पीरियड सो यही एक हिस्टो टोरिकल पीरियड था जिसके बारे में मुझे जानना अच्छा लगेगा सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट दी लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू वॉन्ट टू डेंट द स्पीकिंग इंडिविजुअल सेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो